शंख भृत भूतादि अहंकार रूप पंचजन्य नामक शंख धारण करने से भगवान विष्णु शंख भृत कहलाते हैं भगवान ने कुरुक्षेत्र में पाँचजन्य शंख बजाया था उनका यह शंख पंच प्राण पंचअ अग्नि पंच, पंच नदियाँ पंच तत्व पंच इंद्रियाँ जो पांच तन्मात्राओं से बनी हैं का प्रतीक है यह मन का प्रतिनिधित्व करता है मन अहम का अधिष्ठान है और शास्त्र उद्घोष करते हैं कि श्री नारायण के दिव्य हाथों में शंख हमारे व्यक्तित्व का अहंकार तत्व है नंदकी परमेश्वर की तलवार नंदक कहलाती है इसलिए वे नंदकी नाम से सुशोभित हैं तलवार ज्ञान का प्रतीक है भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के अज्ञान को गीता के ज्ञान द्वारा समाप्त कर उसे सुखद आनंदमय आशीर्वाद दिया था प्रभु हरि के हाथों में यह दिव्य तलवार आध्यात्मिक विद्या तत्व ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है जिससे साधक आत्मा के बारे में अपने अज्ञान अविद्या का नाश करने में सक्षम होता है चक्री संसार चक्र को चलाने वाले मनस तत्वात्मक सुदर्शन चक्र भगवान के पास है इसलिए अथवा संसार चक्र उनकी आज्ञा से चल रहा है इसलिए श्रीहरि चक्री कहलाते हैं चक्र जीव के चित्त का प्रतीक है सुदर्शन चक्र संसार के गति चक्र को चलाता है ऋतुएं एवं काल को भी चलाने वाला है इस चक्र के प्रवर्तन से सारे ब्रह्मांड में समता सात्विकता और शालीनता का साम्राज्य स्थापित होता है शारंग धनवा भगवान अपना अचूक शारंग ताने रहते हैं जो इंद्रिय करण अहंकार रूपी शारंग धनुष है इसलिए श्री विष्णु शारंग धनुआ कहलाते हैं उपनिषद में भगवान के धनुष को ओंकार से तथा बाण की तुलना आत्मा से की गई है धनुषों में मूर्धन्य या श्रृंग स्थान प्राप्त होने के कारण इस धनुष का नाम शारंग है यह धनुष घमंड को चूर चूर करने वाला है यह धनुष परशुराम जी ने जनकपुरी में राम अवतार श्री विष्णु भगवान को प्रदान किया था गदाधर बुद्धि तत्वात्मिका कौमोदकी नामक गदा धारण करने से श्री विष्णु गदाधर नाम से विख्यात है गदा प्रज्ञा बुद्धि की प्रतीक है यह सुंदरता एवं प्रसन्नता देने वाली है अर्थात परम आनंदमय चेतन अवस्था देने वाली है की गदा के निनाद में गूंगे को भी वाग्मी बनाने की शक्ति है यह अग्नि देवता ने खांडव वन जला देने के पश्चात श्री कृष्ण को प्रदान की थी रथांग पाणी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूँगा किंतु भक्त भीष्म पितामह ने उनसे शस्त्र उठवाने की प्रतिज्ञा की थी श्री कृष्ण ने अपने भक्त का मान रखने हेतु अपनी प्रतिज्ञा को भूलकर रथ के पहिए को ही चक्र जैसे उठाकर भीष्म को मारने चले ऐसे भक्त वत्सल श्री नारायण को यहाँ रथांग पाणी नाम से विभूषित किया गया है अक्षोभ्य जिसे कोई भी किसी कर्म या कर्मों द्वारा क्रोध नहीं दिला सकता भले ही वह कितना अपमानजनक हो जिसकी शांति और चैन बाहरी दुनिया में होने वाली किसी घटना से भंग नहीं हो सकती सदा प्रशांत इस शब्द का अर्थ अनंत तितिक्षा, प्रेम और करुणा है जो मनुष्य और उसकी त्रुटियों की ओर इंगित करता है सर्वप्रहणायुद्ध सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले श्री नारायण को सर्व प्रहणायुद्ध भी कहते हैं भगवान विष्णु के केवल इतने ही आयुध हो ऐसा नियम नहीं है बल्कि प्रहार करने वाली समस्त वस्तुएं उनके आयुध हैं जैसे निसी अवतार में हाथों के नाखून भी उनके आयुध बन जाते हैं अंत में सत्य संकल्प से उनकी सर्वेश्वरता दिखलाने के लिए उन्हें यहाँ प्रहणायुद्ध कहा है उन्हें हम सबका कोटि कोटि नमन श्री श्रीसर्वृणाध नम इम श्रीकृष्णा पर ब्रह्मणे नम ओम तत्सत् एक रत्न है ये विष्णु सहस्र नाम स्त्रोत्र भगवान शंकराचार्य जी ने एक जगह लिखा कि गेयम गीता नाम सहस्रम हम सबको गान करना चाहिए एक तो गीता जी का और नाम सहस्रम विष्णु सहस्र नाम का यहां एक और जो भगवत गीता है वो हमें तत्व ज्ञान सहित जीवन जीने की पूर्ण कला सिखाती है मार्गदर्शन देती है वहीं पर यह जो विष्णु शास्त्र नाम है वो केवल नाम स्मरण से भगवत कृपा प्राप्त करके कितने अलौकिक फल को प्राप्त कर सकता है ये बताता है यह जो विष्णु सहस्र नाम कभी कभी लोग पर लगता है सिर्फ नाम ही तो है लेकिन ये श्रुति स्मृति इतिहास पुराण सबका है इसमें मिल जाएगा आपको ये भक्ति प्रधान है और केवल नाम स्मरण का जो महात्म्य है यहाँ आपको देखने को मिलेगा स्तोत्र है स्तुति गान करना है और स्तुतिगान करोगे वो आपकी रक्षा करेगा अरे संसार बंधन से मुक्त करेगा नाम की महिमा हरि ओम, श्री विष्णवे नमः।